नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्र अधिकारी के फॉर्म निकाले थे और उसमें उन्होंने एक संशोधित विज्ञप्ति निकाली है। उन्होंने अंतिम आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी है और जो पदों की संख्या है उनमें भी परिवर्तन किया है। तो देखिए क्या है, विस्तृत विज्ञप्ति है कि एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वन विभाग ने वन क्षेत्र अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती चयन हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन पत्र संख्या 26 जुलाई 2021 में उल्लेखित श्रेणीवार रिक्तियों के अनुसार कार्यालय दिनांक विज्ञापन संख्या 11 अगस्त 2021 को प्रकाशित किया गया था। ये सारी वो पोस्ट हैं जिसमें साइंस बोली गई थी, साइंस मांगी गई थी। ठीक है, आपको याद होगा शायद, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा पुरानी वीडियो का। शासन ने प्रश्नगत पद पर चयन हेतु आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराए गए संशोधित अधियाचन पत्र संख्या इतना दिनांक 10 सितंबर 2021 में श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या को संशोधित या परिवर्तित कर दिया है। शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अधियाचन अनुसार श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या का विवरण निम्न है। तो जो ये है आपका, ये क्या आया है, परिवर्तन के साथ आया है। उन्होंने क्या किया है, सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो आपके देखिए कुल मिला के 46 पद हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कैसे में हैं, उन्होंने ऐसे में दे दिया है। ठीक है, अब पदों का विवरण देखिए, यहाँ उन्होंने पदों का विवरण दिया है। अगर सामान्य का है, सामान्य में 17 सामान्य हैं, 10 महिला शाखा वाली हैं, पूर्व सैनिक के 2 हैं, स्वतंत्र सेनानी के आश्रित के 1 है, और जो अनाथ बच्चे हैं, राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चे, उनके लिए 2 है। आरक्षण की श्रेणी में आ रहा है सारा का सारा। ठीक है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद 6 जो हैं आपकी अनुसूचित जाति की हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, और जो EWS वाले हैं उनके लिए 4 पद हैं। तो कुल मिला के कितनी हैं, 46 पोस्टें हैं। और इन्होंने ऑनलाइन की तिथि कब तक बढ़ा दी है, देखते हैं। शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अधियाचन के आलोक में ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि को विस्तार करते हुए 8 अक्टूबर 2021 को कर दी है। 8 अक्टूबर 2021 रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की जाती है। तब आप 8 अक्टूबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अधियाचन में उप श्रेणीवार रिक्तियों की संशोधित परिवर्तित संख्या 0 होने की दशा में अभ्यर्थियों को उसकी मूल श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा, जो नॉर्मल रूप से होता ही है। अगर सामान्य की कैटेगरी खत्म हो गई है, फुल हो गई है, तो उसके बाद अगर कैटेगरी वाला बच्चा है तो अपनी कैटेगरी में ही उसको सीट मिलेगी। अगला है अंतिम बिंदु, विज्ञापन की अन्य शर्तें मूल विज्ञापन की तरह रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो हमारा 27 अगस्त 2021 को आया था उसी की तरह रहेंगी, कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।